अभी हम खड़े हैं उस कार के पास जिसमें ऋषभ पंत आज सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब नई दिल्ली से रुड़की अपने घर के लिए निकले थे, और ये कार आप देख सकते हैं किस हालत में है। इस कार की हालत को देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गंभीर दुर्घटना इस कार के साथ हुई होगी। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार ये कार लगभग 200 मीटर तक रगड़ती हुई गई, जैसे ही वो डिवाइडर से टकराई उसके बाद 200 मीटर तक रगड़ती हुई गई और इस कार के परकच्चे उड़ गए। परकच्चे उड़ने के बाद इसमें जब आग लगी तो जो स्थानीय लोग थे उन्होंने पुलिस की मदद से शीशा तोड़ करके, आप इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरह से शीशा तोड़ा होगा और ऋषभ पंत को इसके अंदर से निकाला होगा। इस कार की हालत को साफ तौर से दिखाया जा सकता है कि इसका इंजन और बीच का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से जल चुका है और पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। इस गाड़ी में कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है जो इस समय बिल्कुल सही और सुरक्षित हो, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऋषभ पंत को किस हालत में इस कार के अंदर से निकाला गया होगा और उनको किस स्थिति में जिस समय टक्कर लगी होगी, वो 200 मीटर जब ये कार रगड़ती भी गई होगी तो उस समय इसके अंदर उनकी क्या हालत रही होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।